हेलो गाइस, आपसे एक बात शेयर करनी थी। अभी जैसे कि मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि मैं शायद एक दो दिन का गैप लूँगा, तो फेस्टिवल तो था ही राखी, तो मैंने 2 दिन का ट्रेनिंग से ऑफ ले लिया। तो 2 दिन के ट्रेनिंग के ऑफ लेने के बाद मैंने जो एक चीज़ बहुत अच्छे से नोटिस करी, जिस वेट के साथ मैं कुछ टाइम पहले स्ट्रगल कर रहा था, उस वेट के साथ प्रॉपर मैंने विदाउट एनी सपोर्ट विदाउट एनी सपोर्टर मैंने इजीली वो वेट लिफ्ट कर लिया। तो इसका एक रीज़न, ये बहुत बड़ा रीज़न ये है कि मेरी रिकवरी प्रॉपर टाइम से हुई और मैं काफ़ी टाइम से, मतलब मैंने गैप नहीं लिया था कोई भी, मतलब रेस्ट डेज नहीं लिए थे, तो अराउंड हो गए होंगे 3 से 4 महीने। तो वो भी जो मेरी ट्रेनिंग थी उसको वो हैम्पर कर रहा था कि क्योंकि रेस्ट मिल ही नहीं रहा था प्रॉपर। तो जब प्रॉपर अच्छे 2 दिन का रेस्ट मिला और इन 2 दिन में मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो मैं 8-8 9 9 घंटे की मैंने प्रॉपर स्लीप ली है। तो ये चीज़ आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी आपको लगता है ना कि आप काफ़ी टाइम से अपनी डाइट या अपनी ट्रेनिंग को फॉलो कर रहे हो, अराउंड 3-4 महीने हो गए हैं, तो एक दो दिन का ऑफ लो। उन एक दो दिन में प्रॉपर अपनी बॉडी को रेस्ट दो, प्रॉपर सब कुछ, मतलब उस दो दो तीन दिन में कुछ मत करो, सोचो कि अपनी प्रॉपर रेस्ट दो। और जब आप कम बैक करो तो कम बैक फिर ऐसा करो कि आपको लगे कि हाँ, मैंने प्रॉप जो मेरा जो जो PR अचीव नहीं हो रहे थे वो उस टाइम अचीव होंगे, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने करके देखा भाई। तो मतलब जिस वेट के साथ आप स्ट्रगल कर रहे हो, वो वेट से अगर आप खुद विदाउट एनी सपोर्ट मार रहे हो, तो उसकी वो जो फीलिंग होती है वो नेक्स्ट लेवल है। उसका कोई मतलब कंपैरिजन नहीं हो सकता, कि आप उसको किसी भी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते। तो आज है हमारा अपर बॉडी डे और अभी थोड़ा सा मैंने भी अपना जो शेड्यूल है वो चेंज करा है। अभी हम मसल हाइपरट्रॉफी फोकस नहीं करेंगे, अभी हम स्ट्रेंथ पे फोकस करेंगे अराउंड 1 महीने। उसके बाद हम अपने बैक टू रूटीन आ जाएंगे, वही मसल हाइपरट्रॉफी। तो अभी मैंने स्ट्रेंथ में क्या क्या चीज़ें ऐड करी हैं, वो चीज़ें ये ऐड करी जो मेरे रेप रेंज है वो थोड़ी सी कम कर दी और मैंने सेट बढ़ा दिए हैं। तो अराउंड हमारा मैक्स टू वही 7 से 8 रेप रेंज के लिए, और जो हमारा वेट रहेगा वो थोड़ा सा रिलेटिवली मसल हाइपरट्रॉफी से थोड़ा सा हैवी हम जाएंगे और ट्राई करेंगे कि मतलब हर एक सेट में हम फेलियर तक जाएं। और तो ये चीज़ थी आपको जो बतानी थी, जो अपडेट देनी थी आपको। फर्स्ट हम OHP से स्टार्ट करेंगे, तो OHP करने से पहले हम इसके थोड़े से वार्म अप सेट लेंगे, तो वार्म अप सेट देन अपना वर्किंग सेट स्टार्ट करेंगे। गाइस, सेकेंड एक्सरसाइज हम करेंगे लेटरल रेस। इसमें हम 15 kg से स्टार्ट करेंगे, इसमें 2 सेट ही लगाएंगे। और एक और चीज़ आज बतानी थी आपको, जो आज का हमारा अपर बॉडी वर्कआउट है उसमें हम जो बाइसेप प्रेसअप होगा छोटी मसल को टारगेट नहीं करेंगे, जो भी हमारी बड़ी बड़ी मसल लाइक शोल्डर बैक चेस्ट और शोल्डर बैक चेस्ट इन्हीं को टारगेट करेंगे। जो छोटी मसल है इनको नहीं करेंगे, इनको हम जो हमारा पुश वाला पुश पुल वाला सेशन है उसमें टारगेट करेंगे।
यार एक छोटी सी बिगनर की क्वेरी रहती है, मतलब बहुत से लोग मेरे से जिम में पूछते हैं कि अगर उन्होंने जिम स्टार्ट करा है तो वो कौन सा वर्कआउट फॉलो करें, कौन कौन सी एक्सरसाइज करें, कौन कौन सी एक्सरसाइज अपने वर्कआउट में इंक्लूड नहीं करें। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, आंसर ये है कि आपका गोल क्या है। आपका गोल अगर मसल हाइपरट्रॉफी है तो आपका रैप रेंज थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे, अगर आपका गोल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है तो आपके जो रैप रेंज है वो थोड़ा सा कम हो जाएंगे, और आपका गोल पावर लिफ्टिंग है तो आपको मेन तीन लिफ्ट से फोकस करना पड़ेगा, आपके स्क्वाट, बेंच और डेड लिफ्ट। तो इन शॉर्ट बोलने का मतलब ये है कि आप अपना सबसे पहले अगर आपका कोई गोल नहीं है तो गोल डिसाइड करो कि आपको आपको मसल हाइपरट्रॉफी के लिए ट्रेन करना है, या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए ट्रेन करना है, या आपको पावर लिफ्टिंग में जाना है। ये तीन जो तीन कैटेगरी हैं बहुत ज़्यादा वास्ट हैं, और इसमें ये अगर आप जाओगे तो बहुत कुछ है सीखने को, बहुत अंदर डीप बहुत सारा है। तो सबसे पहले आप अपना एक गोल डिसाइड करो कि आपको किस कैटेगरी में जाना है, किस कैटेगरी में आपको अपना मतलब आप आने वाले 4-5 साल उसी कैटेगरी में देख रहे हो, या आने वाला जो भी अपना लाइफ लॉन्ग है उस कैटेगरी में देख रहे हो, तो उसके हिसाब से अपना वर्कआउट डिज़ाइन करो। और बिगनर हो, मेरे को पता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, मेरे को भी आई थी भाई टू बी फ्रैंक, कि हमको थोड़ा सा समझ में नहीं आता कि कौन कौन सी एक्सरसाइज सेलेक्ट करें तो कौन कौन सी सेलेक्ट नहीं करें। तो थोड़ा सा अपना थोड़ा सा जो नेट सफरिंग करते हैं उसमें थोड़ा नेट सफरिंग करो, उसमें जो भी आपका गोल है उससे रिलेटेड सर्च करो कि हाँ मसल बिल्डिंग में क्या होता है, हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, पावर लिफ्टिंग में क्या होता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या होता है। तो उसके हिसाब से थोड़ा सा जब R&D करोगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आते, शुरू में समझ में ही आएगा, धीरे धीरे समझ में आते जाएगा सब, जैसे समझ में आते जाएगा उसके अकॉर्डिंग अपना वर्कआउट शेड्यूल कर लो। सिंपल।